कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने मैसेज के जरिए 3 तलाक दे दी। मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। पाकिस्तान ने सन 1956 में ही ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया था। हेलो गाइस, हियर आई एम अगेन विद अ न्यू वीडियो। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? Let's get started without wasting any time. Before I start to talk about my topic, मैं आपको ये बता दूं, इस्लाम तलाक के सख्त खिलाफ है। इस्लाम में ये clearly बताया गया है कि तलाक एक शैतान का काम है और जितना हो सके तलाक से दूर रहे। लेकिन इसी के साथ साथ इस्लाम ने एक exception दिया है। कभी ऐसा वक्त आए कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और सिवाय तलाक के कोई और ऑप्शन ना बचा हो, तब इस्लामिक लॉ आपको तलाक की परमिशन देता है। और इसके साथ साथ इस्लाम तलाक के कई सारे रास्ते भी बताता है कि कौन, कब, किस तरह और कैसे तलाक ले सकता है और कैसे तलाक दे सकता है। और यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वली राइट्स दिए गए हैं ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। अभी जिस तलाक के बारे में हम बात करेंगे, वह एक तलाक के पार्ट्स में से एक पार्ट है, जिसे नॉर्मली इंडिया में 3 तलाक या ट्रिपल तलाक के नाम से जानते हैं। ये तलाक 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे 3 बार तलाक कह के कंप्लीट किया जाता है। और इस्लाम में इस तलाक को हसन तलाक या तलाक हसन के नाम से जानते हैं। अभी तलाक की डिटेल हम लोग बाद में समझेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि तलाक के लॉज की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले के वक्त में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स लॉज इनमें से कुछ नहीं था। तब राजा लोग रहते थे, अपना राजपाट महल सब संभालते थे और उनके पास उतना वक्त नहीं था कि वह घर घर जाएं और लोगों की घरेलू समस्याएं को हल करें। इसीलिए पहले के वक्त में हस्बैंड और वाइफ में कोई भी झगड़ा होता था, बहस होती थी या कोई अनबन होती थी, तो उन्हें खुद ही सारे हल निकालने थे और खुद ही उन्हें सिचुएशन को संभालना होता था। लेकिन उनके हाथ में सभी फैसले दे देने से कई सारी परेशानियां और जन्म लेती थी। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ कभी कभार हड़बड़ी में कुछ गलत फैसला ले लेते थे और उससे सिचुएशन और बिगड़ जाती थी और ये पूरा माहौल कॉम्प्लेक्स सा बन जाता। और यहीं पे इस्लामिक जो तलाक के कानून हैं वह काम आते हैं। जैसे लॉज अभी अपने देश में है, वैसे ही उस वक्त इस्लामिक लॉज थे। उससे हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी। अब देखते हैं कि ये जो अपना तलाक हसन है या फिर हसन तलाक है, वो काम कैसे करता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेटर ये रहेगा कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं। तो एक आतिफ है जो सारा का हस्बैंड है और वो सारा से बहुत प्यार करता है। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन एक दिन आतिफ का दोस्त आतिफ को बताता है कि उसकी बीवी यानी सारा उसे धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनते ही आतिफ को गुस्सा आता है और वो फौरन अपने घर जाता है। घर जाके वो अपनी वाइफ यानी सारा को बहुत बुरा भला सुनाता है। सारा उसे खूब समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह किसी की कुछ नहीं सुनता और बार बार सारा को घर से निकलने को बोलता है। तभी उसके पड़ोसी उसके घर आते हैं, सारी बात जानते हैं और फिर वो पड़ोसी आतिफ को तलाक के लिए मशवरा देते हैं। आतिफ उनकी बात ध्यान से सुनता है और फिर तलाक के लिए मान जाता है। और उसी वक्त वह अपने पड़ोसी को गवाह बनाकर अपनी बीवी को यानी सारा को पहली बार तलाक का इजहार करता है। अब पहली बार तलाक बोलने से दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी आतिफ और सारा दोनों के सभी फिजिकल रिलेशनशिप वहीं पे खत्म हो जाते हैं, मतलब अब वो साथ नहीं सो सकते। लेकिन वो दोनों बात जरूर कर सकते हैं और हसन तलाक की वजह से उनके पास अभी 2 महीने और बचे हैं अपना तलाक पूरा करने में। सो दिस इज द टाइम जब दोनों आपस में बात करेंगे, सिचुएशंस को समझेंगे और साथ रहकर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कुछ दिन बाद आतिफ ऐसे ही काम से वापस घर आता है और वह देखता है कि सारा ने उसके लिए उसकी फेवरेट सब्जी बनाई है। वह थोड़ा खुश होता है और अपना गुस्सा कम करता है। वह अच्छे से पेट भर के खाना खाता है और फिर सारा को अपने पास बुलाता है, उससे बात करता है। तभी सारा उसे हर बात खुल के बताती है और सारा की हर बात सुनकर आतिफ को खुद के किए पे पछतावा होता है और सारा से अपने किए के लिए माफी मांगता है और साथ ही साथ अपना दिया हुआ तलाक भी वापस ले लेता है। आपको ये स्टोरी सिंपल सी लगी होगी, बट अगर ये तलाक ना होता
और ये तलाक तीन टुकड़ों में ना बटा होता तो आतिफ और सारा को एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिलता। और क्योंकि उनके पास 2 महीने और थे अपना तलाक पूरा करने में, इसीलिए उन्होंने सिचुएशन को समझा और उसका सॉल्यूशन निकाला। अगर ऐसा ना होता तो वह उसी दिन अलग हो जाते जिस दिन उनका झगड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं वह उस दिन कोई बड़ी गलती कर बैठते। और इसी तरह आज भी हमारे देश के कानून कुछ इसी तरह बने हैं ताकि ऐसी सेम सिचुएशन से हस्बैंड और वाइफ दोनों को अलग होने से बचाया जा सके। अब आप लोग ये बोलोगे कि अगर ये कानून इतना ही अच्छा था तो इसे भारत में क्यों बैन किया गया। इसका मेन रीजन ये है कि भारत के ज्यादातर मुसलमान इन सब नॉलेज से वाकिफ नहीं है और कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन के चलते वो लोग कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं और यहाँ ज्यादातर वुमेन्स यानी वाइफ्स को सब भुगतना पड़ता है। और वैसे भी मेरी मानो तो इंडियन रूल्स एंड लॉज ज्यादा बेटर है क्योंकि उन्हें चलाने के लिए हमारे पास इंडियन पुलिस है और इतनी बड़ी गवर्नमेंट है। तो यहीं मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। Thanks for watching.